बिहार में पहली बार पटना नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले वासियों को स्मार्ट पार्किंग की सुविधा का लाभ मिलेगा। घर से निकलने से पहले पटनावासी गाड़ियों की ऑनलाइन पार्किंग की बुकिंग करा सकेंगे। स्मार्ट पार्किंग का लिंक पटना नगर निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। इसके अलावा पार्किंग के लिए एजेंसी भी वेबसाइट बनाएगी। लगभग 50 स्मार्ट पार्किंग बनाने की प्रक्रिया शहर में चल रही है। पहले फेज में 38 स्मार्ट पार्किंग बनाने के लिए जगह का चयन कर लिया गया है। चयनित पार्किंग स्थलों के सर्वे में कितनी गाड़ियों की पार्किंग हो सकेगी, शौचालय, पानी, मोबाइल, चार्ज, चेयर सहित अन्य सुविधाओं को भी देखा जा रहा है। राजधानी के अलग अलग इलाकों में 12 पार्किंग स्थलों के लिए सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे इसी महीने मार्च तक पूरा हो जाएगा। अप्रैल माह तक पार्किंग तैयार करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। बता दें कि कई जगहों पर अभी पार्किंग शुल्क नहीं देना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पहले के मुकाबले स्मार्ट पार्किंग टिकट शुल्क अधिक लगेगा। उदाहरण के लिए फोर व्हीलर का पार्किंग शुल्क पहले 25 से 30 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 40 से 50 तक किया जा सकता है। दो पहिया वाहनों के 10 रुपए की जगह 20 से 25 रुपए देने हो सकते हैं। हालांकि अभी टिकट शुल्क तय नहीं किया गया है, इस पर विचार विमर्श जारी है। स्मार्ट पार्किंग को सीसीटीवी कैमरा और बूम बैरियर से लैस किया जाएगा। अन्य पार्किंग स्थल कानूनी रूप से अवैध हो जाएंगे। पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू ने कहा है कि बोर्ड की बैठक में स्मार्ट पार्किंग बनाने को हरी झंडी मिल चुकी है। शहर के लोगों को स्मार्ट पार्किंग की सुविधा मिलेगी। अगले सप्ताह निर्माण के लिए एजेंसी के साथ समझौता किया जाएगा, फिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजधानी के जिन इलाकों में पहले चरण में स्मार्ट पार्किंग बनाने की योजना है, उनमें विद्युत भवन के सामने, बीएन कॉलेज, अशोक राजपथ, डाक बंगला चौराहा, मारुति शोरूम के पास, पेसू और पीएचईडी कार्यालय के पास, पुल निर्माण निगम कार्यालय के पास, श्रीकृष्णपुरी पार्क के पास और इको पार्क के पास। इसके अलावा इको पार्क के गेट 2 और 3 के सामने और सहदेव महतो मार्ग सहित 38 जगहों का चयन कर लिया गया है। अभी कई जगह पार्किंग शुल्क नहीं देना पड़ रहा है और इतना ही नहीं पहले की तुलना में स्मार्ट पार्किंग टिकट शुल्क अधिक लगने वाला है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि फोर व्हीलर का पार्किंग शुल्क 25 से 30 रुपए था और नई सुविधा के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 40 से 50 रुपए ये शुल्क हो सकता है। इसी तरह से टू व्हीलर का भी हमने आपको बताया कि पहले 10 रुपए चार्ज देना पड़ता था, जो अब 20 से 25 रुपए किया जा सकता है। हालांकि अभी टिकट शुल्क फाइनल नहीं हुआ है, इस पर मंथन चल रहा है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।